प्रदर्शन कर रहा है, पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। प्रदेश में बंद का व्यापक असर हम आपको बता दें, और ये जो हम आपको जन टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया और रास्ते को जाम कर दिया। आप जन टीवी पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये विजुअल्स आप सिर्फ जन टीवी पर देख पा रहे हैं, सिर्फ जन टीवी पर ये तस्वीरें अवेलेबल है, जहां पर आप देख रहे हैं कि अंबेडकर सर्किल पर, जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया और रास्ते को जाम कर दिया, और नतीजे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। ये तस्वीरें सिर्फ आप देख रहे हैं जन टीवी पर। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर बंद समर्थकों ने प्रदर्शन कर रास्ते को जाम कर दिया। पुलिस को रास्ता खुलवाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जन टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, अंबेडकर सर्किल पर बंद समर्थकों ने रास्ते को जाम किया, प्रदर्शन किया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। पूरे प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पूरे दलित समाज ने सड़कों पर आकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन पर दिए गए फैसले के खिलाफ विरोध किया है। हजारों की तादाद में दलित समाज सड़कों पर है। वहीं राजधानी जयपुर भी इससे अछूती नहीं है, जहां पर अंबेडकर सर्किल पर बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया और रास्ते को जाम कर दिया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में सड़कों पर बंद समर्थक निकले हुए हैं और पुलिस कहीं पर उन्हें समझाइश करती हुई नजर आ रही है, ताकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। प्रशासन दलित समाज के रुख को भांप नहीं पाया और शुरू में मुस्तैद नहीं हो पाया। प्रशासन की फेल्योर कही जाएगी। हजारों लोग रैली के रूप में, प्रशासन बहुत देर बाद जागा। तब तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ चुके थे और हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के राम पूरे देश का दलित समाज आज सड़कों पर निकला हुआ है और प्रदर्शन कर रहा है। ये जयपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों के नजारे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका है, जहां टोंक फाटक पर रानीखेत जाने वाली ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोका, वहीं गांधीनगर में मालगाड़ी को भी रोका गया। वहीं बात करें हम अंबेडकर सर्किल की, तो अंबेडकर सर्किल में भी प्रदर्शनकारियों ने
लाठियों रास्ते को जाम कर दिया और पुलिस को राज जाम खुलवाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। राजधानी जयपुर में दलित समुदाय का प्रदर्शन, हजारों की तादाद में दलित समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। जयपुर के अलग अलग इलाकों के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दलित समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर हैं। अंबेडकर सर्किल पर दलित समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और रास्ते को जाम कर दिया। रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और वहीं कई ट्रेन्स को भी प्रदर्शनकारियों ने रोका है। टोंक फाटक पर रानीखेत जाने वाली ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। वहीं गांधीनगर में मालगाड़ी को भी रोका गया। दलित संगठनों का रुख प्रशासन पहले भांप नहीं पाया और बहुत देर बाद प्रशासन जागा। शुरू में रुख को भांपने में नाकामयाब रहने पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए नहीं गए और बाद में जब प्रदर्शनकारियों ने अपना रुख दिखाना शुरू किया तब प्रशासन जागा और सुरक्षा बलों को एक्टिव किया गया। पूरे देश का दलित समुदाय आज सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है। देश के सारे दलित संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में संशोधन का फैसला दिया था। इसका विरोध पूरे देश का दलित समाज कर रहा है।